शादी करते ही रातों रात इतने बड़े हो गए हो कि माँ ने कहा घर छोड़ दो तो जल्दी। अब ये लड़की और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ है, हम ये परिवार तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। दादी साहब, अरमान आप सबसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। और तुम लड़की, तुम्हें परिवार की परवाह है? हमें लगा था तुम अरमान के लिए परिवार की अहमियत को समझती हो, क्योंकि तुम खुद परिवार का प्यार चाहती हो, जिद करती हो, सबसे लड़ती हो, तो हमने सोचा परिवार की भलाई के लिए भी लड़ोगे, लेकिन नहीं, हम गलत थे। अरमान को रोकने की जगह तुम पोरिया बिस्सा समेत के इसके साथ जा रही हो। नए रिश्ते जुड़ने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, लेकिन तुम तीनों के तो रंग बदल गए। तुम अपने रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हो, जरूर करो, लेकिन याद रखो हमारी वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो रहा। अंतिम संस्कार में विद्या आंसू में आंसू आते हैं, ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो चाह रही थी वही हो रहा है, इसलिए खबरदार अगर यहाँ एक आंसू भी बहाया तो। तुमने हमें एहसास दिला दिया विद्या कि तुम सबको अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीटेशन में। आज हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक शानदार एपिसोड की, जिसमें मनीषा ने रूही को एक्सपोज किया है और अरमान ने उसे सबक सिखाया है। चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक तनावपूर्ण माहौल से। जी हाँ, अरमान जो कि शादी के दिन अचानक से गायब हो जाता है, इससे सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। अभीरा और परिवार के बाकी सदस्य अरमान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन दादी सा को सबसे ज्यादा चिंता है कि मेहमानों के सामने क्या कहा जाए। दादी सा सोचती हैं कि अगर सिर्फ अरमान गायब होता तो वो सिचुएशन को संभाल लेती, लेकिन अब तो पूरा का पूरा परिवार ही गायब हो गया है। मेहमान लगातार सवाल पूछ रहे हैं, दादी सा की नाराजगी का सामना अभीरा को करना पड़ता है। वो दादी सा को बताती हैं कि ये सब उनके कारण नहीं हुआ, लेकिन दादी सा कहां सुनने वालों में से है। अब मनीषा आगे बढ़ती है और दादी सा को बताती है कि वो गलत लड़की को दोषी ठहरा रही है। मनीषा का कहना है कि असली दोषी कोई और नहीं बल्कि रूही है, रूही की वजह से अरमान शादी छोड़कर चला गया है। रोहित मनीषा से कहते हैं कि वो हर चीज के लिए रूही को क्यों जिम्मेदार ठहराती हैं, लेकिन मनीषा का तर्क है कि अरमान शादी में खुश था, फिर अचानक गायब क्यों हो गया, ये सब रूही की वजह से ही हुआ है। इसी बीच एक और मोड़ आता है। अरमान और रूही एक कार में होते हैं और अचानक अरमान कार को खाई की तरफ लेकर जाता है, लेकिन इससे पहले ही रूही कार से बाहर निकल जाती है। अरमान समझ जाता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। अरमान कहता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती तो तुम मेरी खुशी के लिए खुश होती। ये सुनकर रूही के चेहरे पर अब एक अजीब सा भाव आ जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में मनीषा का साहस और अरमान की सच्चाई का सामना सब कुछ देखने लायक होता है। क्या मनीषा की बातें परिवार वालों पर असर डालेगी, क्या रूही अपनी गलतियां समझेगी, ये सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।